हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं घर पे हूँ। तो भाई सुबह से भाई काम पे लगा हुआ, थोड़ा थोड़ा काम है भी। आज करवा चौथ है तो मम्मी उन्होंने तो काम करना नहीं है थोड़ा बहुत, तो मैं ही कर रहा हूँ सुबह से। तो अभी मुझे काम मिला है भाई नारियल तोड़ने का। तो कल एक नारियल मैंने कल तोड़ दिया था, तो एक नारियल अभी तोड़ दें उसको। तो और एक चीज़ आपको दिखानी है भाई, काफ़ी देर के बाद मुझे मिली है और मैंने बनवाई है वो, तो वो दिखाता हूँ आपको। काफ़ी 20-22 साल और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है वो चीज़। तो चलो दिखाता हूँ आपको, मिलाता हूँ क्या चीज़ है वो। तो चलो पहले वो दिखाता हूँ, फिर आपको नारियल तोड़ के दिखाता हूँ। तो बाकी और भी घर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं, वो भी चल चुकी हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। तो पहले आपको वो दिखाता हूँ जो 20-22 साल के बाद मैंने देखा हुआ उनको, तो कोई वो इंसान है। तो चलो दिखाता हूँ पहले आपको वो। तो हेलो गाइस, ये जो तस्वीर है ये मेरे दादाजी की है। तो ये मुझे 20-22 साल के बाद मिली है भाई, मैंने पहली बार देखा इनको। तो ये मुझे मिली है, तो उसके बाद मैंने बनवाया, ये आपको फ़ोटो बनवाया है दादाजी का। तो 20-22 साल के बाद मैंने अपने दादाजी को देखा है, कि सब जब से मैं 12-13 साल का था, जब बोलते हैं पापा भी 12-13 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। तो जब 12-13 साल के थे, जहाँ इतने ही बोलते हैं कि 15-20 या 12 साल के थे, इतने बीच में थे, तो तब इनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे, मैंने काफ़ी देर का सोच रहा था कि अगर दादाजी का फ़ोटो मिलेगा तो मैं बनवाऊँगा, तो सबको दिखाऊँगा कि जो जो कि मेरे भी दादाजी का फ़ोटो मेरे पास आया भाई। तो सबके दादाजी का फ़ोटो देखता था तो थोड़ा इमोशनल हो जाता था कि हमारा भी दादाजी का फ़ोटो होता तो हम भी दिखाते आपको किसी को कि हमारा भी दादाजी का भाई, ये हमारे दादाजी इस तरह के दिखते हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद मुझे ये फ़ोटो मिल चुका था चाचा जी के। तो ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट था, तो इसको मैंने कलर में कन्वर्ट करवाया भाई। तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो है, तो भी भाई तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ऐसे तो कहाँ जो चले जाते हैं एक बार वो कहाँ मिलते हैं दोबारा। तो चलो क्या कर सकते हैं भाई, तस्वीर है, कभी ना कभी तो देखकर बंदा देख लेता है कि चलो हमारे दादाजी हैं। तो चलो चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको नारियल तोड़ते हैं, फिर दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, ये है नारियल, तो इसको मैंने तोड़ना है भाई। अभी पहले इसको छीलते हैं, तो इसमें से गिरी निकालनी है। मम्मी ने बोला इसको छीलने के लिए भाई। इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई इसको छीलने में। ये देखो, छिलना मैंने शुरू कर दिया अभी, तो पहले छिलते हैं, तो छिलने के बाद आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, ये देखो नारियल मैंने छील के
निकाल लिया ये, तो कितना छोटा सा निकला है भाई, बाकी ये देखो कितना कचरा वगैरह कितना निकला। तो इसमें पानी निकालते हैं पहले, तो निकालते हैं भाई इससे पानी निकालते हैं। तो ये देखो गिलास ही मैंने लिया पहले, इतना बड़ा नारियल था बीच में से छोटा सा थोड़ा सा पानी निकला भाई, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। तो ये देखो ये पानी निकला है, तो इसको रखते हैं साइड में, तो इसको तोड़ते हैं पहले भाई। तो ये देखो भाई ये रहा नारियल, तो इसको बाहर निकालते हैं, नारियल हमने छील के रख दिया तो इसको बाहर निकालते हैं अभी, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखो भाई आलू वगैरह निकल चुके हैं, ये देखो पास है देखो, तो ये मूली भी ऊपर देखो निकल चुकी है। तो ये देखो ये देखो लहसुन भी हमारा निकल चुका है, और भी काफ़ी ज़्यादा सब्जियां जो नए वाली लगाई हुई हैं घर वालों ने वो भी निकल रही है। इधर वाला लहसुन भी निकल चुका है, तो वो जो हमारी प्योंद है वो भी थोड़ी सी निकल चुकी है, चल चुकी है वो भी। तो ये धनिया भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया अभी, तो पालक भी, तो ये भी काटेंगे किसी दिन हम थोड़ा थोड़ा, इतने में क्या करेंगे। ये देखो अभी ये मटर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, किसके साथ में ये लगाए हुए हैं, साथ में टहनियाँ लगाई होगी इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये देखो मूली काफ़ी बड़ी हो गई ये वाली, और भी चीज़ें हैं भाई और भी दिखाते हैं आपको। ये देखो टमाटर का पेड़ ये बूटा ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ये देखो भाई ये अमरूद। तो ये जो लगाया हुआ था हमने जो नर्सरी लगाई थी उसकी, ये देखो ये भी चल चुकी है भाई, छोटे छोटे गूर निकल चुका है। तो ये आम का बेल, और ये जो गिये की बेल है इस पर गिये पड़े हुए हैं, दिया भी है एक दो बनाया हमने, एक दो बांट भी दिया। तो ये देखो भाई इधर गाजर, ये घर वालों ने इधर गाजर लगाई हुई है, ये देखो इधर भी देखो। और ये लौकी पड़ी हुई है इधर भाई, छोटी सी लौकी पड़ी हुई है इधर, मैंने देखी थी कल, ये देखो। हाँ छोटी सी पड़ी हुई बेल तो है, ये कल हम बना लेंगे, तो उसके बाद पड़ेगी तो देखेंगे कहीं आसपास में दे देंगे, पहले भी दी हुई है देखो। तो ये तो घिये पड़ रहे हैं, घिये एक दो पड़ा हुआ था वो हमने उतार के खा लिया भाई, छोटे छोटे पड़ रहे हैं ये देखो, एक छोटा सा ये भी है। दिख रहा है ये देखो पास है देखो। तो ये देखो भाई ये गन्ने कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इधर ये देखो सरियां लगाई हुई है भाई, देखो मशरूम भी हुई है, एक मशरूम भी हुई जंगली मशरूम, ये देखो। तो ये घास है भाई दूसरा पार्क वाला, ये पहले हमने लगाया हुआ था, ये थोड़ा सा बचा हुआ है इधर, बाकी ख़त्म हो गया भाई। तो ये देखो अमरूद के ऊपर ये करेले पड़े हुए थे छोटे छोटे, अभी ये अभी ख़त्म है भाई, एंड है ये, बस इतने इतने ही हैं, बस एक दो हो गए इतने इतने, उससे ज़्यादा नहीं है ये, बाकी सूख चुकी है ऊपर की। देखो आधी सब्जियाँ ख़त्म होने के कगार पर आ चुकी हैं। तो ये देखो भाई ये पिछली बार भी हमने आलू लगाए थे ना कट्टे में, तो इस बार भी लगाया हुआ है ये देखो, ये देखो ये भी निकल गया भाई बाहर, ये देखो इधर भी देखो, ये अदरक देखो भाई,
ये देखो, ये देखो ये आम का पेड़। और भी दिखाता हूँ, ये देखो भाई पापा ने इधर सेब के बोल गए हुए हैं, छोटे छोटे पौधे निकल चुके हैं। देखो देखो पास से देखो, ये जो प्योंद की हमने अभी चली नहीं है, चल जाएगी एक दो दिन में। जय देव जी है भाई, तो अभी करते हैं कोई और काम, जहाँ इस ब्लॉग को एंड करते हैं अभी। तो हेलो गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा काम हमने सुबह से किए हैं, तो थोड़े बहुत आपको दिखाए, जैसे नारियल तोड़ा तो दादाजी का फ़ोटो दिखाया भाई, वो भी 20-22 साल के बाद मैंने देखा, खुद देखा, मैंने फ़ोटो तक नहीं देखा था दादाजी का, तो काफ़ी मुश्किल से मिला मुझे, चाचा जी के पास था, चाचा जी घर में नहीं थे और बाहर रहते हैं, तो काफ़ी मुश्किल से मिला। तो उसके बाद मैंने वो ब्लैक एंड वाइट था, उसको मैंने कलर में बनाया, वो भी काफ़ी दिन टाइम लग गया, तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो बना हुआ भाई, तो काफ़ी देर के बाद मिला मुझे, 20-22 साल के बाद मिला भाई, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था मैं भाई जब पहली बार देखा था। तो अभी तो फ़ोटो बन गया भाई, कलर में काफ़ी खूबसूरत फ़ोटो है, तो जब मैंने पहली बार देखा था तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर के बाद देखा था, 20-22 साल के। मैंने काफ़ी बार घर वालों से पूछा था कि पापा जी का कोई फ़ोटो है, तो बोल रहे नहीं जो चाचा जी के पास है, तो काफ़ी बार बोला उनको, तो उनके पास भी टाइम नहीं था, तो काफ़ी देर के बाद मुझे मिला, तो फाइनली मैंने बना लिया भाई फ़ोटो, कलर फ़ोटो बना कर घर पर लगा दिया। तो बाकी आपको दिखा दिया भाई नारियल तोड़ा मैंने, तो काफ़ी मेहनत के बाद, नारियल तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। तो बाकी और भी आपको सब्जियां वगैरह दिखा दी जो घर पे लगाई हुई है भाई, तो चल चुके हैं नॉर्मल। तो कल हम जा रहे हैं, कल हम जाएंगे सांबा, तो कल सांबा मुझे काम है थोड़ा सा, तो कल सांबा में कोई ज़बरदस्ती जगह आपको दिखाएंगे, किला वगैरह कोई, जहाँ कोई पार्क वगैरह, तो अच्छा सा ब्लॉग आने वाला भाई कल। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।